अगर आप लोग न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं या आप लोग न्यूज़ देखते रहते हैं, तो हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यानी कि कहने का मतलब है कि उसने एक अध्ययन किया है, उसने बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस समय के लोग अपने खाने में मांस का विशेष स्थान रखते थे, यानी कि मांस खाते थे। उसमें आप देखेंगे गौ मांस की बात की जा रही है, गाय के मांस की बात की जा रही है। याद रखिए, इस क्या रहता है कि समय समय पर नए नए शोध होते रहते हैं, एक तरह से नई नई खोजें होती रहती हैं। अब आप सोचिए कि हम लोग जो भी खा रहे हैं, जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, ये भी इतिहास ही बनेगा ना। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपके कर्म रहेंगे, उसी के हिसाब से आपको इतिहास याद रखेगा। देखिए, कहते हैं कि जिंदगी आपकी 50 साल 100 साल, हो सकता है आपकी 200 साल हो, लेकिन इतिहास जब तक धरती रहेगी, जब तक जिंदगी, मानव जिंदगी रहेगी, तब तक इतिहास रहेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि रानी लक्ष्मीबाई और सिंधिया के बारे में काफी आप लोग स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि सिंधिया को गद्दार लिखा गया है, शब्द गद्दार शब्द का उपयोग किया गया है उनके कर्मों के हिसाब से। देखिए, वो उन्हें मरे हुए, वो मर चुके हैं, वो तो चले गए हैं, लेकिन फिर भी इतिहास उन्हें याद रख रहा है। तो यही रहता है, किस नाम से आपको याद रखता है, किस तरह याद रखता है। आज आप देखते होंगे कि गांधी जी की आप पूजा करते हैं, फिर चाहे जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर साहब हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, विवेकानंद, इन लोगों की पूजा क्यों करते हैं, इन्हें सम्मान आप लोग क्यों देते हैं, उनके कर्मों की वजह से। वरना आप समझ सकते हैं, उस समय भी करोड़ों लोग पैदा हुए, मर गए, कोई याद नहीं रखता है। तो आप समझिए, नए नए समय में कोई कहेगा कि इस समय के लोग ये खाना खाते थे, इस तरह के कपड़े पहनते थे, फिर उन्हें कहीं साक्ष्य मिल जाए कि नहीं, इस समय के लोग ये खाना, ये मतलब इस फसल का एक तरह से लेते थे, दूध से बने हुए ये खाते थे। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें आप देखेंगे, चलिए बात कर लेते हैं। इसमें हाल ही में जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आहार में मांस का प्रभुत्व था, जिसमें आप देखें कि गौ मांस व्यापक रूप से शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों पर पाए गए चर्बी के अवशेषों पर यह शोध किया गया है। इनमें आप देखें कि सूअरों, मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों के मांस की अधिकता मिली है। और आप देखें कि प्राचीन उत्तर पश्चिमी भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिले पुरातन बर्तनों में दूध से बनी कई चीजों के अवशेष भी पाए गए हैं। वर्तमान में यह इलाका हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक बात और आप लोग याद रखिए, हरियाणा ये है आपका हरियाणा और ये आपका उत्तर प्रदेश। ये अलग बात नहीं है, कोई नया काम नहीं आप लोग कर रहे हैं कि दूध के तरह तरह के आप व्यंजन बनाते हो, खाते हैं, समझ रहे हैं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है हमारे देश में। मांस खाने की कोई नई पद्धति नहीं है, ये भी बहुत पहले से चला आ रहा है। आज आप देखेंगे, स्वच्छ भारत की बात की जाती है, आप लोग आप देखते होंगे कि आपके घर के सामने आती है एक गाड़ी, फिर भी देखते हैं आप लोग कि सुबह से निकलेंगे तो रोड पर कचरे का ढेर लग जाता है। हम लोग स्वच्छता की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा, लेकिन आप सोचिए, सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में भी इस ओर ध्यान दिया गया है, नाली की व्यवस्था की गई है उस समय, ठीक है। और आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में ये शहर, और हरियाणा की बात करें तो मसूदपुर, लोहा, राघो, राघीगढ़, राखीगढ़ शहर ये हिसार में, खानक, भिवानी, फरमाना शहर रोहतक में, इन शहरों को भी याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आपका बन जाता है। अध्ययन में सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रामीण और शहरी बस्तियों से पशु उत्पाद जैसे सुअर का मांस, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी के साथ साथ डेयरी उत्पादों का प्रभुत्व पाया गया है। घरेलू पशुओं में मवेशी, भैंस प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी, क्योंकि इस समय के प्राप्त कुल जानवरों की हड्डियों में से 50 से 60% इन्हीं के हैं, और शेष 10% हड्डियां भेड़ बकरी से संबंधित है। आप समझिए कि एक पंचायत की तरह आप लोग ले लीजिए, कि जहां एक तरह से बहुमत होगा उसी को बात आप मानेंगे ना। तो 50 से 60% हड्डियां जो किसकी मिली हुई है, मवेशी और भैंस की, तो ये मान लिया गया कि इस समय इनकी संख्या काफी अच्छी हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मवेशी की हड्डियों का उच्च अनुपात भोजन के रूप में गौमांस का इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि भी करता है। हड़प्पा में 90% मवेशियों को तब तक जीवित रखा जाता था जब तक कि वे 3 या 3.5 साल की के नहीं हो जाते थे। मदा का उपयोग डेयरी उत्पादन के लिए किया जाता था, जबकि नर का इस्तेमाल गाड़ी खींचने के लिए किया जाता था। आज भी तो आप देखते हैं कि आप मदा यानी कि आप मान लीजिए गाय है, तो उसका उपयोग किस लिए करते हैं, आप विभिन्न तरह के उत्पाद, दूध से जो भी उत्पाद होते हैं उन्हें लेने के लिए, एक तरह से दूध दूध के लिए आप लोग पालते हैं।
दूसरी तरफ आप बैल किस लिए पालते हैं, या तो बैलगाड़ी के लिए या हल के लिए, और उनका जब काम नहीं बचता है तो आप क्या करते हैं कि किसी कसाई को दे देते हैं, वो काट देता है, मांस में बदल देता है। समझ रहे हैं आप लोग? सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन की आदत पर पहले भी कई अध्ययन हुए हैं, लेकिन इन अध्ययनों का मुख्य ध्यान फसलों पर केंद्रित था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक सामान्य जानकारी की बात करें तो हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण आपको लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का देखने को मिलेगा। इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम है कि ईसा पूर्व और ईस्वी, वैसे तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ हैं, अपनी पोजीशन तो देख लीजिए। तो मान लीजिए कि आपकी आपका जन्म होता है सन 2000 में, ठीक है? आपके पिताजी से कोई पूछता है कि ये आप जिस घर में रह रहे हैं ये कब बनवाया गया, तो आपके पिताजी क्या बोल देंगे कि बेटे के जन्म के 10 साल पहले, तो इसे कह लीजिए BC, और अगर आपके जन्म के बाद बनवाया गया तो बोल देंगे कि बेटे के इतने साल, जन्म के इतने साल बाद बनवाएगा। तो ईसा मसीहा की जो जन्म के पूर्व ईसा पूर्व कह देते हैं और उनके जन्म के बाद की ईस्वी कह देते हैं, ठीक है? 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपने परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ आप देखेंगे 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है, और 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुकी थी। हड़प्पा नामक स्थान पहली बार यह संस्कृति खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। आज भी तो आप देखते हैं कहीं कोई खोज हुई उसी के नाम पर रख देते हैं, समझ रहे? अगर इसके भौगोलिक विस्तार की हम लोग बात करें तो भौगोलिक रूप से यह सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। इसमें आपका सूतकांगोर ये बलूचिस्तान से, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिमी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर में आप देखेंगे मांडू जम्मू से दक्षिण में दयामाबाद, अहमदनगर महाराष्ट्र तक की क्षेत्र शामिल थे। कुछ सिंधु घाटी स्थल अफगानिस्तान में भी आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ? अफगानिस्तान। ये ऊपर आपका अफगानिस्तान है, इसी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ठीक है? महाराष्ट्र यहाँ है आपका। अगर इस समय के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो कालीबंगा आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, लोथल, धोला धोलावीरा, रंगपुर, सोरकोदा ये गुजरात में, बनावली हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में। इन स्थानों को भी आपको याद रखना है। कालीबंगा कहाँ है, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सोरकोटदा कहाँ है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके कई बार पूछ लेता है। पाकिस्तान में आप देखेंगे तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर हुआ है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंध में सिंधु नदी के तट पर, और चंद्रदोड़ो ये सिंध की नदी, ठीक है? कुछ अगर विशेषताओं की बात करें जो आज भी मायने रखती हैं, सिंधु घाटी के शहरों में परिष्करण और उन्नति का स्तर देखा जा सकता है जो उसके समकालीन अन्य सभ्यताओं में नहीं देखा जाता है। नगर योजना की बात करें तो अधिकांश शहरों का स्वरूप समान था। इसमें दो भाग थे, एक गढ़ और एक निचला शहर, जो समाज में पदानुक्रम की उपस्थिति को दर्शाता है। अधिकांश नगरों में एक और काम देखने को मिलेगा आपको, स्नानगार, स्नानागार यानी कि नहाने की एक तरह से जो व्यवस्था होती है उसे कहते हैं। यहां से पकी ईंटों से बने 2 मंजिला घर, बंद जल निकासी नालियां और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, माप के लिए वजन, खिलौने, बर्तन आदि के भी आपको इस समय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखेंगे बड़ी संख्या में मोहरों की खोज भी की गई इस समय। कृषि की बात करें तो यहाँ कपास की खेती करने वाली पहली सभ्यता थी, कपास की खेती करने वाली पहली सभ्यता थी। हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु भी पालते थे, जिनमें आपको भेड़, बकरी, सुअर भी देखने को मिलेगा। अगर इस समय की फिल्मों फसलों की बात करें तो गेहूं, जौ, कपास, रागी, खजूर और मटर थी। व्यापार की बात करें, आज आप देखते हैं कि चाइना से व्यापार, अमेरिका से व्यापार भारत का है, तो उस समय भी इस तरह का एक राज्य से दूसरे राज्य, देश एक तरह से कह सकते हैं, एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता में क्या होती थी, व्यापार होता चल। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार, वाणिज्य का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि आप देखेंगे हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो से हुई है। सिंधु और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। किसमें? उन्नत अवस्था में था। धातु उत्पाद की बात करें तो इन्हें आप देखेंगे तांबा, कांसा, टिन, सीसा का ज्ञान था, यानी कि इनके बारे में जानकारी थी। इसके अलावा देखेंगे सोने और चांदी से भी ये लोग परिचित थे, लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ये बड़े ध्यान से याद रखिए, पहली बार लोहे, लोहा आपका अतरंजी खेड़ा में पाया गया, ठीक है? इस समय लोहे का कोई ज्ञान नहीं है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। धार्मिक आस्था की बात करें तो मंदिरों या महलों जैसी कोई संरचना इस समय नहीं देखने को मिलेगी। पुरुष और महिला देवताओं की पूजा की जाती थी, यानी कि आप समझिए कि आपने कोई अच्छा काम किया किसी व्यक्ति के लिए
तो आप क्या बन गए? भगवान बन गए उसके लिए। ठीक है, यहां से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर भी अब विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक तिरुमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाए गए। मृदभांड भी यहाँ पाए गए हैं। यहाँ पाए गए मृदभांड अधिकांशतः लाल तथा अथवा गुलाबी रंग के हैं, और इन पर जो आप चित्रकारी करते हैं ना, ये काले रंग की से अलंकरण है। कौचली मृदा फायंस का उपयोग आप देखेंगे मनकों, चूड़ियों और वालियों तथा जहाजों के निर्माण में किया जाता है। कला के रूप में अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक लघु प्रतिभा भी मिली आपको, और ये 4000 वर्ष पुरानी है। मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले पुरोहित भी मिले हैं, राजा की मूर्ति भी मिली है। लोथल एक डॉकयार्ड जहाज बनाने का स्थान था, और मृतकों को लकड़ी के ताबूत में दफनाया जाता था। सिंधु घाटी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है। एक और याद रखिए, जैसे आप सोचिए आज आप देवनागरी लिपि की बात करते हैं, एक समय ऐसा है कि इसे पढ़ने वाले सब खत्म हो जाए, समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या लिख देंगे आने वाले इतिहास में कि इस समय की जो भी लिपि है उसे नहीं पढ़ा जा सका, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं उपलब्ध है, ना ही आप उस, जब आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि जब उस समय की भाषा आप नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या जानकारी उपलब्ध कर पाएंगे आप, इसी तरह के साक्ष्य जुटा पाएंगे, या तो मृदभांडों से या हड्डियों का उपयोग करके पता लगा पाएंगे कि उस समय किस तरह की परंपरा थी। ठीक है, तो इस तरह के जो भी करंट टॉपिक में टॉपिक करंट में रहते हैं उनके बारे में विशेष तौर से सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है,